नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजे में आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ, नव भारत आपके साथ, मैं हूं ज्योत्सना बेदी। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर हलचल रहती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD मेरे रिपोर्टर्स आपके सामने रखेंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी खबरों के बाजार पर रहती है पैनी नजर। मेरे साथ अभी रविकांत राय और साथ ही आदर्श सिंह मौजूद हैं, बाकी के रिपोर्टर्स भी एक एक कर मेरे साथ जुड़ेंगे। आदर्श के पास मैं पहले जा रही हूं। आदर्श, आज बड़ा दिन है क्योंकि आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जानी है यूपी की जनता को। बिल्कुल, यूपी के लिहाज से बेहद ही बड़ा और अहम दिन है क्योंकि पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के लिए विकास का रोडमैप है। पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा और इसकी सभी खासियत हमने टाइम्स नाउ नव भारत पर दर्शकों को बताई हैं। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए ना सिर्फ पूर्वांचल और बिहार के बॉर्डर से जुड़े हुए यूपी के सभी जिले लखनऊ राज्य की राजधानी से कनेक्ट होंगे बल्कि देश की राजधानी से भी कनेक्ट होने में आसानी होगी। जिन सफर को तय करने में 18 से 20 घंटे का समय लगता था, अब अगर कोई गाजीपुर से व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता है तो यकीन मानिए उससे 10 से 11 घंटे में वो दिल्ली पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के तमाम जो एक्सपोर्ट होते हैं वो सभी चीज़ें अब सुलभ होंगी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से। और इसकी जो सौगात है, इस जो लोगों को समर्पित करने की बात कही जा रही है, वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ तमाम स्थानीय और राज्य के नेता जो होंगे वो इस एक्सप्रेसवे को अब लोगों को सौंपेंगे। ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। मैं यहाँ पर एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जगह जगह पर पुलिस की पिकेट वैन भी लगाई गई है और इन्हीं के जरिए ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है इनकी निगरानी में रहेगा। अलग अलग जगहों पर ऐसी पुलिस की पिकेट वैन लगाई गई हैं ताकि अगर कोई भी अव्यवस्था या कोई दिक्कत होती है लोगों को तो उनसे इनके जरिए मदद पहुँचाई जाए। आप देख सकते हैं कि दो दो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और इन्हीं के जरिए ये पूरी मदद जो है, अगर कोई व्यक्ति इस एक्सप्रेसवे पर चलता है, उसे कोई समस्या होती है, किसी मदद की जरूरत होती है या फिर किसी भी तरीके की सहायता की जरूरत होती है तो इन्हीं पुलिस के कर्मियों, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से उनको मदद भी पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ जगह जगह पर एम्बुलेंसेस जो हैं वो रखी जाएंगी। 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी है जिसके जरिए अगर आपातकाल में हवाई जहाज को नीचे उतारना हो, किसी भी जहाज को नीचे उतारना हो तो उसको रखा जाएगा। जगह जगह पर स्वागत के लिए इस तरीके से जो बोर्ड हैं वो भी लगाए गए हैं जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सारी जानकारी जो है वो दी गई है। पहली खबर ये है और दूसरी खबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी हुई राजनीतिक खबर है क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाजीपुर और आजमगढ़ में रोड शो करने वाले थे, रैलियां करने वाले थे, जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन आज के इस बड़े कार्यक्रम की वजह से सरकार की तरफ से उनको किसी भी रैली या रोड शो की इजाज़त नहीं मिली थी। तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी तो भी वो सिंबॉलिक तौर पर जगह पर जाएंगे और साथ ही साथ उन रैलियों को, रोड शो को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो साइकिल लेकर एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे और आज सुबह से ही कई जगहों पर ये तस्वीरें दिखी। बिल्कुल, दरअसल इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये पूरा प्लान, ये पूरा प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी का था, अब क्रेडिट जो है मौजूदा सरकार ले रही है। देखिए, इस एक्सप्रेस वे के बारे में बता दूं, ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, इसके साथ साथ गाजीपुर से होकर के निकलने वाला है। और आदर्श, इसके फायदे भी बहुत हैं सुविधाओं के साथ साथ। देखिए, उद्योग जगत को इससे बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं बड़ी संख्या में, उनके लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा। ऐसे में और क्या कुछ सरकार की तरफ से दावा किया गया है, प्लस प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंच रहे हैं ये भी बताइए। देखिए, 1.5 से 2 बजे का समय दिया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और अगर मैं इसके फायदों की बात करूं तो ना सिर्फ औद्योगिक तौर पर इस एक्सप्रेसवे से यूपी और पूर्वांचल के हिस्से को उड़ान मिलेगी बल्कि जो आसपास की जगहें हैं उनको औद्योगिक तौर पर डेवलप करने की बात कही जा रही है। यानी
जो भी एक्सप्रेस वे बना है इसकी दोनों तरफ जो जगहें बची हुई हैं इनको एक्वायर करके यहाँ पर एक तरीके से औद्योगिक हब बनाया जाएगा, यानी कोई भी फैक्ट्री लगाई जा सकती है, कोई भी उद्योग के बड़े आयाम जो है वो यहाँ पर दिए जा सकते हैं और इन्हीं एक्सप्रेस वे के जरिए उसे कनेक्ट करके लखनऊ या फिर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँचाया जा सकता है। जो आप जगहें देख रहे हैं इन्हें भी सरकार अगर चाहे तो एक्वायर कर सकती है, हालांकि पहले से ही ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और 2 लेन और अभी एक्स्ट्रा छोड़ी गई है ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ हर जगह पर पुलिस की जो पिकेट बनाई जाएगी उसके साथ साथ हेलीपैड भी बनाया जाएगा, यानी अगर कोई इमरजेंसी में जरूरत हो तो ना सिर्फ राफेल जैसे लड़ाकू विमान रनवे पर उतर सके बल्कि अगर जरूरत पड़े तो पुलिस या कोई भी आपातकालीन सेवा में हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी पुलिस के पिकेट के साथ साथ पहुंच सके। तो कुल मिलाकर कई तरीके के फायदे हैं ना सिर्फ किसानों को, आम लोगों को, बल्कि आपातकालीन सेवा लेने के लिए उस तरीके के भी फायदे यहां पर देखने को मिलेंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। अच्छा, अखिलेश यादव को गाजीपुर प्रशासन ने रथ यात्रा की परमिशन नहीं दी है, आदर्श अभी आप बता रहे थे, और ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहने वाले हैं, क्या प्लान है समाजवादी पार्टी का, एक बार दर्शकों को बताइए जरा फिर से विस्तार से। देखिए, चूंकि आज प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे वीआईपीज जो हैं उनका मूवमेंट आज इस पूरे इलाके में रहने वाला है, ऐसे में अखिलेश यादव का जो हेलीकॉप्टर है उसको ना उतरने की इजाज़त दी गई है, साथ ही साथ जो रैली या जनसभा है उसको भी मना किया गया है, इजाज़त नहीं दी गई है। उसका कारण ये है कि कहीं अगर, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और कहीं अगर एक्सप्रेस वे पर चढ़कर या फिर सिम्बॉलिक तौर पर ही विरोध दर्ज करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो मैसेज है बढ़ा जाएगा, इसीलिए उनको इजाज़त नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से। हालांकि अखिलेश यादव ने यह दावा किया था कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि उन लोगों से वहाँ पर जाएँ और मिले अपने कार्यकर्ताओं से, साथ ही साथ रैली या जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या हेलीकॉप्टर को उतरने या फिर फ्लाई करने की इजाजत मिलती है या नहीं। बिल्कुल आदर्श, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप पर आज एक बड़ा भव्य एयर शो भी होना है, उसकी तस्वीरें भी आनी अब से कुछ मिनटों बाद शुरू हो जाएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। और मेरे साथ अभी अमित कुमार भी मौजूद है। अमित, आज आपके पास क्या बड़ी खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री जो सीएजी का जो दफ्तर है दिल्ली में वहां पर जाएंगे और पहले ऑडिट दिवस को संबोधित भी करेंगे। और जो जानकारी है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ऑडिट दिवस को सीएजी की स्थापना और इसके 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 जरिए जो सालों से काम हो रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो एक तरह की जवाबदेही है, उसके उसके योगदान के तौर पर मनाया जा रहा है। और देखिये, सीएजी क्या है, सीएजी जो सरकारी कामकाज उसमें खर्च होते हैं उसको ऑडिट करती है और वहां पर वो देखती है कि कहां पर गलत खर्च किए गए हैं, कहां पर गड़बड़ियां हुई है। और इसको लेकर सीएजी के जरिए कई बड़े खुलासे हुए हैं, कोल से लेके जो टूजी स्पेक्ट्रम खुलासे, तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें करोड़ों की हेरा फेरी की बात सामने आई थी। तो सीएजी का एक बहुत बड़ा रोल है सरकार में ट्रांसपेरेंसी के लिए और एक तरह की जवाबदेही के लिए कि सरकार जो जो डिपार्टमेंट या जो खर्च करती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पहले जो जो कार्यक्रम होने वाला है ऑडिट दिवस है उसको संबोधित करेंगे, वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके बाद यहां से वो पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए यूपी का निकल जाएंगे। स्थापना और उसके योगदान पर यह खास कार्यक्रम है, पहले ऑडिट दिवस को प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे नजर टेकी आप रहिए रखिएगा नजर। अमित, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, रविकांत राय मेरे साथ मौजूद है। रविकांत, आज क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए ज्योत्ना, खबरों के सेंसेक्स में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आज देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों मुख्यमंत्रियों को हटाना पड़ा? अब इस साल उत्तराखंड में चुनाव है और इस बात को बीजेपी बखूबी जानती है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के अगेंस्ट में है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, जहां वो रुद्रप्रयाग में जो बंगाली समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही संगठन की बैठक बुलाई गई है, जो अभी तक का फीडबैक मिल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई खेमे बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं और काम कर रहे हैं, उसको सुलझाकर एकजुट करना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी हाल में जो बाईपोल हुए हैं वहां पर
पहाड़ी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उनमें से हिमाचल प्रदेश एक है। ऐसे में उत्तराखंड में अगर बीजेपी को वापसी करनी है तो अपने संगठन को मजबूत करना होगा और वहां पर जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं लोग उनके बीच में एक जुटता दिखानी होगी। इसी लिहाज से ये दौरा महत्वपूर्ण है और आज हमें जो जानकारी बताई गई है उसके मुताबिक जेपी नड्डा संगठन के लोगों को संबोधित करने वाले हैं और एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है रविकांत, आप नजर रखिए, लौटूंगी अपडेट के लिए वापस। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं। गौरव, आज क्या बड़ी खबर है दिल्ली से? देखिए, दिल्ली से जो आज खबर है वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं देश भर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि केंद्र सरकार जो है वो एक बैठक बुलाए वायु प्रदूषण को दिल्ली और एनसीआर के इलाके में कम करने के लिए। तो आज सुबह 10 बजे ये महत्वपूर्ण बड़ी बैठक जो है और ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की बैठक है, और मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में कौन कौन लोग होंगे उससे ही इस खबर का महत्व पता लगता है। इस बैठक में जो है वो कृषि के सचिव जो है कृषि मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड शामिल होंगे, इसके अलावा इसमें हरियाणा और पंजाब के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा जो हरियाणा पंजाब दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों के इन सभी जिलों के बड़े इन जगहों के बड़े अधिकारी, और हो सकता है कि अगर कोशिश की जाएगी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के आदेश दिए हैं कि दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को कैसे कम करना है इसको लेकर एक प्रस्ताव जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के तौर पर दिया जाए, और उसके लिए बैठक बुलाना बहुत जरूरी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली और एनसीआर वायु प्रदूषण को कम कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था इससे पहले। देखिए, दिल्ली सरकार ने भी कई फैसले लिए हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों का, यानी कि जो सरकारी दफ्तर हैं उन कर्मचारियों का काम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एक हफ्ते के लिए, स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया, इसके अलावा और भी फैसले थे। ऐसे में ये जो मीटिंग है आज की बुलाई गई, ये अपने आप में गौरव बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। वापस गौरव में आ रही हूँ। आज अरविंद केजरीवाल भी गोवा पहुंच रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर यही है गौरव आपके पास? जी, देखिए खास करके जो छोटे राज्य हैं उसके लिए लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर जो है आज गोवा पहुंच रहे हैं। और गोवा एक ऐसा राज्य है जो अभी तक परंपरागत रूप से जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार यहां पर शासन करते रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है 2 दिनों के गोवा दौरे पर पहुंच रहे हैं और दोपहर 2 बजे के करीब बाद जो है वो यहां पर गोवा पहुंचेंगे। और जैसे ही उन्होंने दिल्ली में तमाम इस तरह की घोषणाएं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्री बिजली पानी, इन चीजों को लेकर घोषणाएं की थी, उसी तरह की घोषणाएं जो है वहां पे भी की गई हैं। और देखिए, केजरीवाल जो है वो बीजेपी नेता विश्वजीत कृष्णा राव राणे को आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कराएंगे, तो पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के जो स्टॉल वार्ड्स यानी कि बड़े नेता रहे हैं गोवा में उनको शामिल करा के एक माहौल बनाने की कोशिश हो। और देखिए, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी छोटी पार्टियों के, क्षेत्रीय पार्टियों के गोवा जैसे चुनाव में उतरने के बाद गोवा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए, और खास करके आम आदमी पार्टी के राजनीतिक फैलाव या उनकी महत्वाकांक्षा के लिए गोवा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का जो दिल्ली जैसा छोटा ही राज्य गोवा है और वहां केजरीवाल मौजूद। देखिए, नवंबर महीने में तीसरी बार ये अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा है, अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी हर राज्य में जुटी हुई है, खासतौर पर उन राज्यों में ज्यादा जोर दे रही है जहां पर चुनाव भी होने हैं। और क्या आज लोक लुभावन वादे अरविंद केजरीवाल की तरफ से गोवा वासियों से किए जाएंगे, देखने वाली बात होगी। गौरव, नजर रखिए, कंगना के पास जा रही हूं। कंगना, क्या खबर है आज बड़ी? आज की बड़ी खबर ये है कि आज से क्लास 12th के बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और ये टर्म 1 होएगा बोर्ड एग्जाम्स का, और कल 17 नवंबर को जो बोलते हैं क्लास 10th के बोर्ड स्टार्ट होंगे, तो आज क्लास 12th के बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि आज पहली बारी नए तरीके से, जिसको बोलते हैं, जो नए रूल्स के साथ CBSE के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। इन सारे एग्जामिनेशंस में कोई भी थ्योरी टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और MCQ पे डिपेंड करेगा। और ये कुछ 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, और उस 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में 11:30 से 1 बजे के एग्ज़ाम में बच्चों को सेंटर्स पर लेके जाया जाएगा,
और सेंटर्स ऑलरेडी डिसाइड कर दिए गए हैं, उनके एडमिट कार्ड पे उनका सेंटर्स लिख दिए गए हैं। बट ये एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होएगा, जबकि पहले जो नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे वो 3 घंटे के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे। बट कोविड के चलते हुए CBSE ने ये डिसाइड किया था ताकि बच्चों के लिए आसान हो कि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, टर्म 1 में और टर्म 2 में। तो आज टर्म 1 की शुरुआत हो चुकी है और आज क्लास 12th का पहला बोर्ड एग्ज़ाम है और कल से क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स में ये टर्म्स डिवाइड हुए हैं और 1.5 घंटे का पेपर होगा और उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डायग्राम बेस्ड, टैबलॉइड बॉय बेस्ड या फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और कोई भी क्वेश्चन थ्योरी रिलेटेड नहीं होएगा। तो इसलिए बच्चों को से आसानी होए और मार्क्स कैलकुलेशन के लिए इजी होए, इसलिए बोर्ड CBSE ने बोर्ड एग्जाम्स टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड करे हैं और टर्म 2 होएगा मार्च और अप्रैल के महीने में, बट टर्म 1 नवंबर आज से स्टार्ट हो चुका है 12th बोर्ड्स का, कल से 10th बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। नए पैटर्न में अब CBSE की बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी पहुंचा रही कंगना, मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद थी। कंगना, वापस मैं लौटूंगी, साकेत सिंह का रुख कर लेते हैं, बिहार चलते हैं। बिहार में आज किस खबर पर हलचल रहने वाली है साकेत? देखिए, बिहार में जो आज सबसे बड़ी खबर है वो शराबबंदी की समीक्षा को लेकर है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जिलों के जिलाधिकारी और साथ में जो राज्य स्तर के जो तमाम अधिकारी है उनके साथ बैठेंगे। 11 बजे से ये मीटिंग शुरू हो रही है। जिस तरह से पिछले दिनों 30 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि छठ के बाद 16 तारीख को वो इन तमाम मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे और आज उसी को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पटना में बैठने वाले हैं। और एक एक बिंदु पर, कल भी मुख्यमंत्री से जब इस विषय पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक एक बिंदु पर वो इस समीक्षा बैठक में बात करेंगे कि आखिर जो 2016 से शराबबंदी बिहार में लागू हुई है उसके बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई उनको उनकी क्या स्थिति है, उनको छोड़ा गया या जो छूट गए, जो शराब के कारोबार में जुड़े हुए थे वो आखिर अब क्या कर रहे हैं, दूसरा कौन सा काम वो कर रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो प्रशासन के लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी है शराबबंदी कानून को लागू कराने की, आखिर उनकी वो अपनी भूमिका किस तरह से अदा कर रहे हैं। लगभग 700 जो सरकारी कर्मी है उनको बर्खास्त किया गया है शराबबंदी कानून के अवहेलना और उनको पालन नहीं कराने के, तो ऐसे लोगों पर और जो गिरफ्तार हैं जो सरकारी कर्मी उन पर क्या कार्रवाई आगे की जा रही है, इन तमाम बिंदुओं पर समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है साकेत, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है। जब शराबबंदी लागू है बिहार में तो फिर इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के मामले बार बार क्यों सामने आते हैं, जो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं, प्रशासन पुलिस की कार्यशैली पर भी। क्योंकि देखिए, विपक्ष भी लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शराबबंदी नीतीश कुमार के सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित है। तो हम उम्मीद लगाएं कि आज की बैठक में और आगे सख्ती देखने को मिलेगी और पूरे तरीके से शराबबंदी नजर आएगी राज्य में। देखिए, बिल्कुल सख्ती तो निश्चित तौर पर होगी और कई कार्रवाई भी आज होगी, क्योंकि समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो जो तमाम अधिकारी जो ढुलमुल रवैया अपना रहे थे हर जिले में उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कई अधिकारियों को बर्खास्त तक किया जा सकता है आज की मीटिंग के बाद, क्योंकि हर जिले के जिलाधिकारी और SP को एक एक जो सरकारी कर्मी है जिन पर कार्रवाई चल रही है उनका लिस्ट लेकर बैठना है, उन्होंने शराब को लेकर कितनी कार्रवाइयां की है, ये तमाम चीजों का ब्यौरा लेकर वो बैठेंगे मीटिंग में और एक एक पर नीतीश कुमार सुनवाई करेंगे। उन्होंने कल ही साफ कर दिया कितने घंटे ही क्यों ना लग जाए, लेकिन वो एक एक बिंदु को साफ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार की किरकिरी पूरे देश में हुई है उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आहत है और वो चाहते हैं कि इस बिंदु पर वो हर चीज क्लियर करें, क्योंकि शराबबंदी के में ढिलाई की बात वो शुरू से खारिज करते हैं कि उसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी, तो ऐसे में कैसे इसे और सख्त किया जाए। बिल्कुल साकेत, आप नजर रखिएगा, ये हाई लेवल ये मीटिंग है सरकार की और क्या कुछ निकल के इस मीटिंग से सामने आएगा देखने वाली बात होगी। तमाल साहा के पास मैं जा रही हूं, तमाल, वेस्ट बंगाल से आज क्या खबर है? देखिए, आज राज्यसभा की जो असेंबली है वहां तृणमूल कांग्रेस एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं BSF के खिलाफ, यानी BSF का जुरिस्डिक्शन जो एक्सटेंड MHA ने किया है 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर, जिसका विरोध राज्य सरकार ने की है, जिसका विरोध तृणमूल कांग्रेस ने किया है, जिसका विरोध कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट भी किया है, आज उसी के चलते उसी के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा स्टेट असेंबली में। पंजाब के बाद वेस्ट बंगाल
दूसरी ऐसी राज्य हो जाएगी जिसमें जहां पे ये लागू नहीं किया जाएगा और इसके विरोध में ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा। देखने वाली होगी क्या बीजेपी इस आलोचना में शामिल होगे या नहीं, क्या ये सेशन को बॉयकॉट करेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन आज दोपहर एक बजे करीबन एक बजे तृणमूल कांग्रेस ये रेजोल्यूशन मूव करेगी और जहां तक उनकी अंक की सवाल है, जो नंबर्स की सवाल है, उनके खुद के बलबूते पे ये रेजोल्यूशन पास भी हो जाएगी। तो केंद्र का फैसला संघीय ढांचे पर हमला है, ये टीएमसी लगातार कह रही है, यही चन्नी सरकार पंजाब की सरकार ने भी कहा था। और आपको याद होगा पंजाब विधानसभा में स्पेशल सेशन जो बुलाया गया था उसमें प्रस्ताव ये पारित हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल में आज क्या होगा नजर टिकी है, तमाल में वापस लौटूंगी। प्रदीप दत्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप घाटी से क्या खबर है आज? देखिए घाटी में कल शाम एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें तीन आतंकवादी मारे गए थे, दो आतंकवादी जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया था। और जैसे सुरक्षा बलों को पता चला कि यहाँ पे आतंकवादी हैदरपुरा के इलाके में छुपे हुए हैं, यह हैदरपुरा जो है एक पॉश एरिया है, ये काफी सिक्योरिटी जोन माना जाता है और जिसके इधर घर पे ये आतंकवादी छुपे थे। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को पता चला उन्होंने उस घर का घेरा डाला और घेरे में दो आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो घर का जो ऑनर था उस मकान का वो भी इस एनकाउंटर में मारा जाता है क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ मुलविस था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस मिला है ये उन लोगों के साथ काम कर रहा था। मेरे ख्याल से एक सबक है, एक तो आप आतंकवादियों को पना देते हैं और दूसरा आप उन एनकाउंटर में मारे जाते हैं। मेरे ख्याल से जो भी लोग सिंपथाइजर थे उनको ये समझना होगा कि आप आतंकवादियों को एक तो पना ना दे क्योंकि आपके ख्याल को आपके वेल उड़ सकते हैं, जैसे ही वो फंस जाते हैं तो आपको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही इस एनकाउंटर में भी हुआ, एक समीर तांत्रे नाम का टेररिस्ट था जो टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा संगठन के साथ काम कर रहा था और पिछले कई दिनों से उनकी जो कोशिश थी कि एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग करें क्योंकि ये टीआरएफ जो है ये ऑफशूट है लश्कर-ए-तैयबा का, पार्ट टाइम टेररिस्ट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि आम लोगों को ये टारगेट करें और एक बार फिर से डर का माहौल क्रिएट करें। और हमने देखा कि जैसे अक्टूबर 1 से लेकर अभी तक 1 अक्टूबर से लेकर 13 लोगों को मार गिराया है इन लोगों ने, ज्यादातर इन्होंने गैर कश्मीरियों को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को टारगेट किया है। तो इनकी भी कोई ऐसी साजिश थी, इसी वजह से ये हैदरपुरा में छुपे हुए थे। लेकिन जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को पता चलता है उस मकान का घेरा डालते हैं, जैसे ही घेरा डालते हैं आतंकवादी अंदर जो छुपे होते हैं वो फायरिंग करते हैं और फायरिंग के दौरान तीन लोग मारे जाते हैं जिसमें दो आतंकवादी और एक का एसोसिएट है जिसका वो घर था जिसमें वो छुपे होते हैं। मेरे ख्याल से सेना पहले ही कह चुकी है अगर बंदूक उठाई तो गोली खाओगे और आतंकियों का सफाया हम देख भी रहे हैं, एक के बाद एक आतंकी ढेर किया जा रहा है। प्रदीप नजर रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे वापस, सर्च ऑपरेशन अभी वहां चल रहा है। आप तमाम मेरे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप चलिए सेंसेक्स मीटर पर हम नजर डाल लेते हैं, सबसे पहले वो खबरें हम आपको दिखाएंगे जिस पर अभी हमने अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की है। दिल्ली NCR पर प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है उस पर आज एक आपात बैठक है, नजर टिकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक्शन लगातार जारी है। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा आज नीतीश कुमार को करनी है क्योंकि बहुत फजीहत हो रही है। BSF के अधिकार क्षेत्र जो बढ़ाया गया है उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। ये आज की बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की। ये दो रैंक आप देख रहे हैं, एक पुराना एक नया, एक ओल्ड और एक न्यू रैंक। प्राथमिकता के हिसाब से जो खबरें तय हुई हैं, सबसे बड़ी खबर अगर कोई है तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जो सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। आज एयर शो भी होगा, संबोधन भी प्रधानमंत्री का होगा, इस पर हलचल रहेगी। वहीं दिल्ली NCR प्रदूषण पर जो बड़ी बैठक होने वाली है क्या निष्कर्ष निकलेगा देखने वाली बात होगी। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा नीतीश करेंगे। BSF के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ जो प्रस्ताव पश्चिम बंगाल में लाया जाएगा इस पर भी नजर टिकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक्शन लगातार जारी है। एक एक अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट में जल्द, आप रहिए हमारे साथ।